हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईएनएक्स मीडिया केस की। आज हम जानेंगे कि आईएनएक्स मीडिया केस क्या है और पी चिदम्बरम जी का इस केस से क्या संबंध है। आज हम आईएनएक्स मीडिया केस का फुल एनालिसिस करेंगे हिंदी में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए बिना समय गवाए अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत होती है 2006 से, जब आईएनएक्स मीडिया कंपनी बनाई गई थी और इस कंपनी के जो को फाउंडर थे वो थे पीटर और इंद्रानी मुखर्जी। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा आईएनएक्स मीडिया कंपनी बनाई गई थी। अब इन्होंने कंपनी तो बना ली, लेकिन उस कंपनी को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी और उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने FIPB से, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से, FDI के लिए परमिशन मांगी। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए परमिशन मांगी। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक नेशनल एजेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो के रिकमेंड करती है FDI को, और ये ऑटोमेटिक रूट के अंडर नहीं आती है, ये अप्रूव्ड रूट के अंडर आती है। कहने का क्या मतलब है कि फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कंपनी किसी विदेशी कंपनी से FDI उठाना चाहती है, तो उसे सबसे पहले FIPV को इन्फॉर्म करना होगा और उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इस केस में फ्रेंड्स दो रूट होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा होता है अप्रूव्ड रूट। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? ऑटोमेटिक रूट में किसी कंपनी को, विदेशी कंपनी से FDI उठाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अप्रूव्ड रूट में इन केस ऑफ डिफेंस, मीडिया, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित किसी कंपनी को, विदेशी कंपनी से FDI उठाने के लिए FIPV की परमिशन लेना जरूरी होता है, गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है। तो ये जो कंपनी थी, ये एक मीडिया कंपनी थी, तो जाहिर सी बात है कि परमिशन तो लेनी ही पड़नी थी। तो इन्होंने ऐसे ही किया, इन्होंने द्वारा FIPV से FDI के लिए परमिशन मांगी। इन्होंने एक तो FDI के लिए विदेशी कंपनी से पैसा उठाने के लिए परमिशन मांगी और साथ में डाउन स्ट्रीमिंग इन्वेस्टमेंट के लिए परमिशन मांगी। अब डाउन स्ट्रीमिंग इन्वेस्टमेंट क्या होती है? मान लीजिए कोई बी कंपनी किसी ए कंपनी से पैसा उठाती है और उस पैसे को लेने के बाद उस पैसे का कुछ हिस्सा तीसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, तो उस केस में होती है डाउन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट। किसी ए कंपनी से लिया हुआ पैसे का कुछ हिस्सा जब बी कंपनी किसी सी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, तो उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग इन्वेस्टमेंट। अब इन्हें डाउन स्ट्रीमिंग इन्वेस्टमेंट क्यों करनी थी? क्योंकि आईएनएक्स मीडिया कंपनी चाहती थी कि उन्हें जितना भी FDI विदेशी कंपनी से मिले, उसका जो 26% है, उसे आईएनएक्स न्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो इन्वेस्ट करें। अब 15 मार्च 2007 को FIPV द्वारा 4.62 करोड़ तक की FDI की परमिशन तो आईएनएक्स मीडिया को मिल जाती है, लेकिन डाउन स्ट्रीमिंग इन्वेस्टमेंट की परमिशन FIPV द्वारा आईएनएक्स मीडिया को नहीं दी जाती। FIPV डाउन स्ट्रीमिंग इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर देती है, लेकिन आईएनएक्स मीडिया ने FIPV के रूल एंड रेगुलेशन के ऑपोजिट काम किया। हम जानते हैं कि उन्हें 4.62 करोड़ तक की FDI विदेशी कंपनियों से लेने और डाउन स्ट्रीमिंग ना करने की परमिशन मिली थी, लेकिन INX मीडिया द्वारा 305 करोड़ रुपए तक की FDI की गई और साथ में डाउन स्ट्रीमिंग भी की गई। और जब इस बात का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला, तो उन्होंने 2008 में INX के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की, और जिसमें पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी फंस चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि हमें इस ट्रिकी सिचुएशन से बचने के लिए किसी पावरफुल व्यक्ति की ज़रूरत है। तभी उन्होंने चेस मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर कार्तिक चिदम्बरम के साथ हाथ मिलाने की सोची। अगर वो कार्तिक चिदम्बरम को सीधे ही अपने साथ मिला लेते तो वो फंस सकते थे, इसलिए उन्होंने कार्तिक चिदम्बरम की कंपनी चेस मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड को एज अ कंसल्टेंट हायर कर लिया। अब कार्तिक चिदम्बरम के पिताजी ठहरे फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी। अब बेटे को हायर कर लिया, पिता फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका तो काम आसान हो गया।
बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री के कहने पर FIPB द्वारा INX मीडिया को एक सुझाव दिया गया, जिसमें उन्होंने बोला कि वो FIPB को एक फ्रेश प्रपोजल भेजें जिसमें डाउन स्ट्रीमिंग इन्वेस्टमेंट करने की परमिशन मांगे। INX मीडिया द्वारा ऐसा ही किया गया और उन्हें उस बात की परमिशन भी मिल गई। बाद में INX मीडिया द्वारा 3.5 करोड़ रुपये कार्ति चिदम्बरम को दिए गए, क्योंकि उनकी कंपनी INX मीडिया के लिए एज अ कंसल्टेंट वर्क करती थी। बाद में मई 2017 को ED द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया कार्ति चिदम्बरम और INX मीडिया के खिलाफ, और साथ ही में CBI द्वारा भी कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ केस दर्ज किया गया, और फरवरी 2018 को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कार्ति चिदम्बरम को अरेस्ट कर लिया गया और उन पर 10 लाख रुपए INX मीडिया से लेने का आरोप लगाया गया अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए। और बाद में क्या होता है, जो इंद्राणी मुखर्जी होती है वो सरकारी गवाह बन जाती है और कोर्ट में अपना बयान देती है कि उन्होंने पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम को रिश्वत दी थी। अब इस बयान को सुनने के बाद तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इस बयान को सुनने के बाद हाई कोर्ट जो क्या करती है, वो पी चिदम्बरम की एंटीसिपेटरी बेल को रद्द कर देती है, और जब उनकी एंटीसिपेटरी बेल रद्द कर दी जाती है तब CBI द्वारा उनकी एंटीसिपेटरी बेल को रद्द करने के बाद CBI ने क्या किया, 21 अगस्त 2019 को पी चिदम्बरम को वेडनेसडे नाइट उनके घर से अरेस्ट कर लिया और साथ ही में 14 दिन की जुडिशली कस्टडी में ले लिया गया। अब पी चिदम्बरम तिहाड़ जेल में बंद है। अगर हम बात करें इस केस से संबंधित करंट न्यूज़ की, तो हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद और अहमद पाटिल पी चिदम्बरम को तिहाड़ जेल में मिले, तो जे रहे हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी और जे उनके होनहार बेटे कार्ति चिदम्बरम जी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने INX मीडिया केस के बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल स्टडी बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।